क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, इफ द लॉजिक गेट स्टेट ऑफ इनपुट्स ए बी एंड सी आर फॉलो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू जीरो, देन लॉजिक स्टेट ऑफ आउटपुट डी इज, अगर ए बी तीनों बार इसमें क्या डाला जाता है, अगर जीरो डाल दिया जाए तो एक फर्स्ट केस में जीरो डाला जाएगा तो हमारे पास क्या बाहर रहेगा, इसमें जब हम जीरो जीरो डालेंगे तो ये हमारे पास क्या है, और गेट है, और गेट में ये क्या कर देगा, हमारे पास जीरो जीरो डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ए प्लस बी, और गेट की बुलियन एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है, ये हमारे पास है नैंड गेट, नैंड गेट है ये हमारे पास, तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास नैंड गेट है तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास ए डॉट बी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार, ओके, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास बार आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट की, तो इसमें जीरो जीरो डाले तो जीरो आ गया, तो यहाँ पे जीरो और जीरो, तो ये जीरो जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ए डॉट बी, तो जीरो जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, और ये क्या कर देगा, इसको वन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट, नोट हमेशा क्या कर देता है, अगर हम इसकी जो बुलियन नोट गेट की बुलियन एक्सप्रेशन जो होती है, अगर ए डालेंगे तो वो बाहर क्या आएगी, हमारे पास ए बार, यानी कि जीरो डालेंगे तो वन आएगा, बार का मतलब होता है उसको चेंज कर देगा, तो हमारे पास फर्स्ट केस में जब हमने क्या डाला, जीरो 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 डाला, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, वन, अब इसने कहा है कि ए और बी तो क्या डालना है हमें, वन डालना है, ए और बी हमें डालना है वन और सी हमें डालना है जीरो, यानी कि वन वन और जीरो डालना है, तो आउटपुट क्या होगी वो हमें देखना है, तो वन वन डालेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको वन ही कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन और जीरो, वन और जीरो, तो वन और जीरो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वन, और ये क्या कर देगा, इसको जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो, वन और जीरो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वन इंटू में जीरो, सॉरी वन इंटू में वन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा, वन इंटू वन करेंगे तो हमारे पास एंड गेट है, ये एंड गेट में वन इंटू जीरो क्या होता है, हमारे पास वन जीरो, तो ये जीरो आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, तो इसकी जो आउटपुट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, वन डॉट वन, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, वन वन, ओके, क्योंकि एंड गेट में हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन क्या देखते हैं, ए डॉट बी होता है, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास नॉट गेट है तो ये क्या कर देगा, वन कर देगा, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, वन वन।